बढ़ते हैं एक और वॉइस मैसेज की जानिब। ये तो हमारे नूरपुर थल के हैं, बड़े प्यारे इंसान हैं। इन्होंने खासा पूछा था मुझसे और इनको क्रॉपिंग पैटर्न भी मैंने दिया था, और आज भी इनका कोई क्वेश्चन था मेरा ख्याल है गोट फार्मिंग के। आई डोंट नो, जो अभी अभी देखते हैं कि क्या पूछ रहे हैं, क्या मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकात। सलाम वरहमतुल्लाह वबरकात। डॉक्टर साहब, मैं नसरुल्ला आवान जम्बाली थल से बोल रहा हूँ। ये 4 मिनट पहले आया है। मेरी बकरी ने बच्चा दिया है, लेकिन उसका बच्चा देने से पहले भी एक थन छोटा था छोटा था, दूसरे थन अच्छा से, एक बड़ा था, और उसमें दूध की बहुत ही कलील मिकदार आया वो करती थी। मेस्टाइटिस है। अब बच्चा देने के बाद हमें लग रहा था कि ये बराबर हो जाएंगे, नहीं, ऐसे थोड़े ही कुछ होंगे। बराबर नजर भी आ रहे थे, लेकिन अब दोबारा वो फर्क थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया हाँ है। हाँ तो उसके लिए अपनी जो तजर्बे की रोशनी में बताइए कि हम उसका क्या हल कर सकते हैं। आज बकरी को बच्चा दिए हुए दूसरा दिन है, ऐन नवाजिश होगी। जजाकुमुल्लाह खैरा। मेरी जान इस तरह है कि ये मेस्टाइटिस है। इससे अगर आप सर्फ टेस्ट करेंगे, सुबह कर लें बेशक, अभी भी कर सकते हैं, एक थोड़ा सा सर्फ लेके गिलास में डालें और 2 गिलास में डाल लेंगे, तो जिसका छोटा थान है, जो छोटा वाला और थोड़ा दूध आ रहा है, उसमें एक में धारें वो मारें और दूसरे वाले में दूसरी मारे धारें, उसके अंदर जो सर्फ मिला हुआ पानी है उसके अंदर, आप देखेंगे कि ऐसा गाढ़ा सा, और ऐसा आम चम्मच के ऊपर भी लाएंगे तो वो सही तरीके से नहीं ठहरेगा, वो इस तरह का दूध बन जाएगा। और दूसरा वाला अगर नॉर्मल, वो नॉर्मल होगा, उम्मीद है वो ठीक होगा। ये जो है इसमें मेस्टाइटिस है। तो मेरी जान, इसका 2 तरीके हैं, या तो एक काउ ड्राई थेरेपी होती है वो कर लें, या फिर इसके एंटीबायोटिक का कोर्स कराना पड़ता है, वो करना पड़ेगा, तो फिर इसके साथ ये ठीक हो जाएगा। लेकिन वो जो एंटीबायोटिक्स का कोर्स है वो 4 दिन तक करना पड़ेगा, टीके लगाने पड़ेंगे, और जो ये है IMM उसको कहते हैं, वो काउ ड्राई थेरेपी, वो ये खाली थन करके इसके अंदर एक ट्यूब होती है वो चढ़ानी होती है, लैक्टोवेट उसका नाम होता है, या मुख्तलिफ नामों से कोबैक्टन सबसे अच्छी है, कोबैक्टन 2.5%, तो या वो या फिर लैक्टोवेट वो चढ़ाते हैं, और वो खाली करके साफ करके थन को उस थन के अंदर चढ़ा दें। दूसरे और लैक्टेशन जब करेंगे तो पहले पानी वो दूध उससे निकालते हैं तो इस्तेमाल नहीं करते, उसको जाया कर देते हैं, और उसके बाद फिर चढ़ाते हैं, कोई 12 घंटे बाद फिर चढ़ा देते हैं वो ट्यूब, 3 दफा जब चुआई करके, तो 3 दफा चढ़ानी होती है, तो वो ठीक हो जाता है, उसका जो इन्फेक्शन होती है अंदर वो ठीक हो जाती है अल्लाह के फजल करम से। ये है काउ ड्राई थेरेपी, वो कर सकते हैं, या फिर एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक्स का कोर्स कराना पड़ता है, और ट्राई ऑक्सिल एल उसके लगा दें, या एमपी क्लॉक्स के 5-5 CC के 4 दिन लगातार इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, और इन दौरान, इस दौरान और बल्कि 3-4 दिन और भी, वो थोड़ी सी 20 ग्राम सफेद जीरा और आधा लीटर दूध में वो बॉयल करके उसको वो पिलानी होती है, वो पिलाते रहते हैं 6-7 दिन, ताकि ये दूध कम ना करे। तो ये है मेरी जान, 2 चीजें हैं, अगर आप देख लें, जो भी आपको आसान लगे उसको फॉलो करें, ठीक है। अगर फिर भी कोई मसला हो, ना समझ आई हो, तो मैं हाजिर हूं, आप वॉइस मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। दुआओं में याद रखें, फी मान ला।